हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख रोज। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद में था नहीं, कर्नाटक में था, और कर्नाटक से आया मैं हैदराबाद, और अभी हूँ हैदराबाद में और मेरे गाड़ियों के पास में ही हूँ। तो दोस्तों, और एक खुशी की बात यह है कि मैं और एक नई जीतो ले रहा हूँ, जो कि आ गई सेम मेकन जो जीतो है 6 फीट की, वो साइज़ में जो है शोरूम पर गाड़ी आ गई नई। तो आज ही बुक करके आया 6 फीट की महिंद्रा जीतो, क्योंकि मेरे को और एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ रही, तो मैं महिंद्रा जीतो और एक बुक करा। इंशाल्लाह आ गई तो कल आ जाती। तो अभी हूँ मैं गाड़ियों के पास में, बताता हूँ आपको अभी। दोस्तों, यहाँ पे देखिए अपनी महिंद्रा जीतो, जो कि है ये 6 फीट बॉडी की, और मैं जो बुक करा वो भी है सेम 6 फीट बॉडी की। तो अभी आई नहीं गाड़ी, कल आने वाली है, इंशाल्लाह कल आ जाती। और वहाँ पर आगे में सुप्रो, और यहाँ पर 7.5 फीट की भाई की महिंद्रा जीतो, महिंद्रा जीतो भाई भी जो है लकड़ी लोड करके रखे यहाँ पर। और इनकी गाड़ी का देखिए, यहाँ से बम्पर निकल गया और यहाँ पे दब गया, पूरा गड़ा पड़ गया इधर, ये देखिए यहाँ पे भी दब गया। और यहाँ पे है सुप्रो गाड़ी, और सुप्रो गाड़ी के जो है पीछे के आड़े ग्रुप के टायर लाया मैं, सीधे ग्रुप के लाया था, पीछे डाला था। गाड़ी की जो है अनकंट्रोलिंग चल रही, गाड़ी बैलेंसिंग नहीं पकड़ रही, इसलिए जो है ये देखिए सीधे ग्रुप के पीछे डाला था, पीछे के टायर सतारे बोल गए। तो अभी जो आड़े ग्रुप के लाया, ये टहरा सामने कर रहा हूँ, सामने के टहरा पीछे कर रहा हूँ। और सोहेल भाई, वसीम भाई, अकबर भाई जो है पैरा चेंज कराने गए आड़े ग्रुप के डालने गए, एक एक खोल रहे, एक एक चेंज कर रहे, क्योंकि बोले तो हमारे पास स्टेपनी एक है और जाग भी एक है। तो क्या हो रहा, अभी जो है अगला टायर, पिछला टायर पंक्चर हुआ था, वो टायर को खोल के पंक्चर बना के उसको सामने डाल रहे, सामने के टायर को जो है नया मैं आड़े ग्रुप का लाया, वो आड़े ग्रुप का डाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुप्रो और यहाँ पे जीतो, और वहाँ पे और एक भाई की जीतो। तो और एक जीतो आने वाली है कल, अभी फ़िलहाल जो है जीतो आते कि पहले जो है जीतो को चलाना है या तो जाली बनाना है, लंबर उसको रजिस्ट्रेशन हुए तक टाइम लगता, जब तक वो गाड़ी चलती, उसके बाद वो गाड़ी भी जो इसके सर का बनती, ये गाड़ी के सर का रेडियम वेडियम करेंगे उसको भी, उसके बाद जो है ये जीतो को बनेंगे। तो इसमें भी बहुत काम आया, सामने का बम्पर चले गया, चिल्लर काम आए। जो कल लाने वाला हूँ मैं जीतो, वो है BS6, और उसमें भी लिक्विड डालना है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं, वो गाड़ी के बारे में, वो गाड़ी को और BS4 को क्या क्या चेंज हुआ, और वो गाड़ी खुद मैं ले रहा हूँ और उसके बारे में मैं आपको बताते रहता हूँ गाड़ी कैसा चल रही क्या है। क्योंकि मैं गया था शोरूम पर, उसका जो किलोमीटर है वो चेंज कर दिए, पूरा फुल डिजिटल मीटर है, और उसको जो सेंसर की जो किलोमीटर की डब्बी बताता है उसमें नहीं बता रहा, सब जो भी है मीटर में है। तो मैं आपको बताता हूँ कल लाए खुद गाड़ी, अभी फ़िलहाल तो जो है ये गाड़ी के टायर चेंज कर रहे हैं। तो ये रही सुप्रो, ये रही जीतो, ये रही स्माल भाई, ये रही उनकी रही जीतो, ये स्माल भाई की जीतो है, ये आ गए अपनी एक्टिवा, ये स्माल भाई है, स्माल भाई की 7.5 फीट की जीतो। अब एक जागा तुम्हारा जाग लगा के खोलूँ कैसा करूँ सोच रहा हूँ, दो एक साथ खुल जाता टायर। स्टेपनी का उधर है, अब जो नहीं पंचर बना के ला रहा है वो सामने लगाना है, वो सीधे ग्रुप का है, फिर अब ये खोलते उधर लगाते, ये सीधे ग्रुप का है, ये भी सामने जाता, हाँ वो साइड का है, वो उधर का खोल के फिर लेके जाना पड़ता चेंज करने, इधर का खोलते वो जो नहीं बना के लाता, अब इधर लगाते वो, हाँ एक लेके गया नहीं। ये आ गए सोहेल भाई, वसीम भाई, ये आ गया टायर अपना सीधे ग्रुप का, सामने लगाना है, वो जाकर दो जरा बताओ कितना जाकर दो। तो भैया एक अगला ये दो, वो टायर भी लेफ्ट साइड में डालने का है थोड़ा चढ़ाना पड़ता है साथ, थोड़ा चढ़ाना पड़ता, फिर और बड़ा जाक लगा के फिर नहीं। तो दोस्तों, इधर का भी खोल लिए टायर, और ये देखिए ये सीधे ग्रुप का एक डाल दिया सामने, अब ये डालना है सामने, तो आड़े ग्रुप का लाने का टायर पंचर की दुकान पे, ये जो टायर है गाड़ी के साथ आया तो टायर है, देखिए ये कंपनी टायर है, ये चेंज कर दे रहे, इधर का भी पीछे का भी, पीछे का स्टेपनी को रख रहे, वो जो टायर खोले वो सामने डालना है, अभी पीछे का जो टायर है आड़े ग्रुप का वो नया टायर डला के लेके आने गए सोहेल भाई, और ये वसीम भाई गेम में परेशान। तो ये लेफ्ट साइड का, और ये स्टेपनी निकाल दिए, और सोहेल भाई और वसीम भाई गए इधर का टायर लाने पीछे का, उधर का टायर डाल दिया आड़े ग्रुप का, सामने सीधे ग्रुप के हो गए और पीछे हो गए आड़े ग्रुप के, ये एक टायर आना है
पंचर की दुकान पे है फिटिंग के लिए। हाथी की जो है फटाफट इसे भी फिट करना है और ये टायर जो है स्टेपनी के हाथ से रखना है। तो दोस्तों ये आ गया आड़े ग्रुप का और एक टायर फिट हो गया। चलो अब हो गए पीछे दो आड़े ग्रुप के, सामने हो गए सीधे ग्रुप के। पूरे गाड़ी को चारों टायर सील है, नए टायर हैं। अब 3 साल तक टेंशन ही नहीं है, उनका जाग देना है ना उस्ताद। तो भैया अभी हो गए अपने चारों टायर फिट, तो अभी वह काम खत्म। तो दोस्तों कल आने वाली है नई महिंद्रा जीतो, तो उसके बारे में बताएंगे आपको। अभी लगा देंगे जाके गाड़ियाँ वहाँ पे, उसके बाद जाएंगे घर। तो दोस्तों सुप्रो गाड़ी को जो है चारों टायर नवे डाल लिया वहीं, और पीछे आड़े ग्रुप के डालना था आड़े ग्रुप के डाला, सामने सीधे ग्रुप के डालना था सीधे ग्रुप के डाला, और चारों टायर जो है MRF के है, न्यू टायर है। थोड़े दिन पहले जो है पीछे का टायर डाला था सीधे ग्रुप के, क्योंकि आड़े ग्रुप के नहीं मिले थे पीछे डालने के लिए। तो अभी जो है मैं मार्केट से लेके आया आड़े ग्रुप के, तो आड़े ग्रुप के पीछे डाल दिया, जो पीछे के सीधे ग्रुप के थे वो सामने डाल दिया। तो अभी जो है टायर की टेंशन ख़त्म हो गई, और जीतो भी मस्त कंडीशन में, सुपर भी मस्त कंडीशन में। तो दोस्तों और एक बात ये है कि महिला महिंद्रा जीतो, तो दोस्तों मैं ला रहा हूँ कल महिंद्रा जीतो 6 फीट की, और मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ रही है और एक 6 फीट की गाड़ी की। तो कल ला रहा हूँ मैं महिंद्रा जीतो 6 फीट की, और नवी गाड़ी ला रहा हूँ शोरूम से, और उसके बारे में मैं आपको कल की वीडियो में बताता हूँ उसमें क्या क्या चेंज हुआ BS4 में, और BS6 जो आई थी जो भाई की BS6 महिंद्रा जीतो है उसमें, और अब की जो नई गाड़ी जो मैं कल ला रहा हूँ उसमें भी चेंज है BS4 में भी चेंज है। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को भाई की जो जीतो गाड़ी है BS6 उसमें जो डिब्बी है जो लिक्विड का प्रॉब्लम बताने की, आपकी जो कल अभी मैं जो गाड़ी लाने वाला हूँ उसमें वो डिब्बी नहीं है, और उसमें वो प्रॉब्लम भी बताने वाला नहीं है। उसमें क्या चेंज हुआ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों कल क्या होता है, देखते रहिए आप भी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई गाड़ी और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।